इस समय हम लोग संसद मार्ग पे खड़े हैं। ये वही रास्ता है जो पार्लियामेंट तक जाता है और यहाँ से करीब 150 से 200 मीटर दूर पार्लियामेंट है, जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के सभी सांसद मिलकर मानसून सत्र को संचालित कर रहे हैं। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और इसके इस तरफ किसानों ने अपनी संसद लगा रखी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ, पहले आप सिक्योरिटी देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ सिक्योरिटी लगाई गई है और पूरी तरह से पुलिस का इंतजाम किया गया है, भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और ये संसद मार्ग है जिस पे अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं और ये जो बैरिकेटिंग जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ये जो बैरिकेटिंग दिख रहा है, इस बैरिकेटिंग को क्रॉस करेंगे हम लोग, उसके बाद एक बैरिकेटिंग आएगा, फिर जाके वहाँ पर किसानों का संसद चल रहा है। अब आप देखते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। इस बैरिकेटिंग के बाद का जो है किसानों का संसद चल रहा है, जो कि एक अल्टरनेट पार्लियामेंट किसानों ने इसको कहा है कि किसान संसद इसका नाम दिया है, यानी कि पार्लियामेंट के सामने एक अल्टरनेट पार्लियामेंट जिसको किसानों द्वारा चलाया जा रहा है और किसान इस पे अपने नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर संसद में 500 सांसद मिलकर कानून बना सकते हैं तो हम किसान संसद के सामने बैठकर कानून क्यों नहीं बना सकते। अब देखिए, हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, पैरामिलिट्री पूरी तरह से तैनात है, महिला पुलिस बल भी है, पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस है और ये पूरी सिक्योरिटी लगाकर यहाँ पर 200 किसानों की अनुमति हुई थी दिल्ली पुलिस द्वारा कि 200 किसान आ सकते हैं अंदर, तो अभी यहाँ पर 200 किसान यहाँ बैठे हुए हैं। आप इसमें बैठे हुए लोगों में देख सकते हैं कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, योगेंद्र यादव हैं और राकेश टिकैत हैं, सभी बड़े किसान नेता आज आए हुए हैं। किसान एकता मंच की तरफ से संसद मार्च किया गया और यहाँ पर, और ये जो संसद चल रही है, किसान संसद चल रही है, ये आगे 20 दिन तक चलने वाली है। आज इस संसद का पहला दिन है। आप सबके गले में देख सकते हैं कि एक आई कार्ड लगा हुआ है, उन पर उनका नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है, पता है और उस आई कार्ड को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी किया गया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जो भी किसान आए हैं, सब किसी को वेरीफाइड करके लाया गया है और इन सारे लोगों की एक एक आईडी दिल्ली पुलिस को दी गई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं और भी सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मंच लग गया है, छोटा सा जो मंच लग गया है और ये दिल्ली पुलिस ने एक घेरा बनाया हुआ है, ये रस्सियों से घेर कर। ये देखिए, अब मन्नू कुहार भी आए हुए हैं। ये पूरा देखिए, दिल्ली पुलिस ने ये घेरा हुआ है कि रस्सी और बैरिकेटिंग लगाकर, और ये देखिए ये बैरिकेटिंग है, फिर रस्सी है और ये देखिए मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है और इसी घेरे के बीच किसानों को रहना है। और किसान जैसा कि हमेशा करते हैं, वो इस बार भी अपने साथ अपना खाना लेकर आए हैं, उनके खाने की गाड़ी भी लगी हुई है। यानी कि किसान किसी के भरोसे नहीं आए हैं, सरकार के भरोसे नहीं आए हैं। यहाँ देखिए, बैठ के कुछ किसान भोजन भी कर रहे थे सड़क पर बैठकर, और यहाँ पर पत्रकार से लेकर मीडिया, पुलिस, हर कोई खाना खा रहा है। तो ये पूरा मेरा, मैं आपको दिखा रहा था ये सब कुछ ताकि आपको पता चले कि ये सब जो है वो कैसा सेटअप है और किस तरह से यहाँ किसान हैं। ये पूरी पूरी बात दिखाने का मकसद यही था कि जो लोग किसान आंदोलन से यहाँ नहीं आ पाए हैं या वो लोग जो घर पर हैं, वो देख सके कि दरअसल यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीछे देखिए आप, ये पीछे भी देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग है इस तरफ भी, और उधर देखिए मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ी खड़ी है और फिर उधर भी पैरामिलिट्री है। गेट जो बैरिकेटिंग है उसके उस तरफ भी पैरामिलिट्री है, यानी कि 200 किसान पर 2000 पुलिस वालों की सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके साथ ही मैं आपको अगर दिखाऊं तो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, उनसे मॉनिटर किया जा रहा है। अगर मेरे कैमरामैन जूम कर पाए तो वो जो पोल दिख रहा है, उस पोल पे आपको सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होगा जिस पे माइक लगा हुआ है,
तो ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और किसानों को इस तरह से और ऐसे दिल्ली पुलिस ने घेरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये किसान नहीं है, कोई उपद्रवी है। इसके पीछे मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है और लगातार मीडिया इस चीज़ को ऐसे पेश करने की कोशिश कर रही है कि ये किसान नहीं, उपद्रवी हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी उस बात को, मीडिया की उस बात को वैलिडेट करने के लिए, यानी कि वैधता देने के लिए, दिल्ली पुलिस ने भी बिल्कुल वैसा ही इंतजाम किया। 200 किसानों के लिए 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा सर्विलांस, ऐसा लगता है कि देश में किसान नहीं, कोई उपद्रवी आ रहे हैं। और किसानों को बार बार कहा जा रहा है कि आपको दिल्ली में घुसने का मौका मिल गया है। आप बताइए, क्या दिल्ली में किसी को घुसना पड़ता है? आम इंसान दिल्ली में आता है, लेकिन किसान जब दिल्ली में आ रहे हैं तो कहा जा रहा है दिल्ली में किसान घुस गए दिल्ली में। किसान दिल्ली में आए, ये कोई घुसपैठिए नहीं है, दिल्ली पूरे देश की है। इसलिए मीडिया को ये नैरेटिव बनाना बंद करना चाहिए और इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए कि किसान दिल्ली में घुस गए। घुसने का मतलब क्या होता है? कोई लुटेरे हैं क्या किसान? प्रदर्शनकारी हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है इस देश में प्रदर्शन करना, देश की संसद के सामने प्रदर्शन करना, प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करना, ये तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का है, उसी तरह किसानों का भी है। तो ये कहना कि किसान घुस आए दिल्ली में, ये कहीं से भी सही नहीं है, उचित नहीं है। ये बहुत ही एक तरह से गलत शब्दों का प्रयोग करके किसानों की जो गरिमा है उसको चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है और उनकी जो छवि है उसको किसी और तरीके से पेश करने का काम किया जा रहा है। मीडिया ऐसा कर रही है, आप लोग देखिए, लेकिन सावधान रहिए। साथ ही आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, देखिए 200 किसान हैं, मीडिया यहाँ आई हुई है और पूरा प्रदर्शन चल रहा है। हम आपको यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है, जो भी भाषण दिया जा रहा है और जो भी नया अपडेट आ रहा है वो सब कुछ दिखाएंगे और आपको पल पल की खबर देंगे। आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। और देखिए राकेश टिकैत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, योगेंद्र यादव भी बैठे हुए हैं, गुरनाम सिंह चढ़नी हैं, अभिमन्यु कुहार हैं, सारे किसान नेता यहाँ आए हुए हैं। और ये आज पहला दिन है और अभी 20 दिन तक और ये संसद चलेगा। देखते हैं कि उन 20 दिनों में किसान क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि 5 सितंबर को किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, किसानों का जो संयुक्त संगठन है, वो लोग एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं आगे की आंदोलन की रणनीति पर। आप अब जब तक ये संसद चल रहा है तब तक नेशनल दस्तक यही ग्राउंड पर है और आप सभी किसानों को पल पल की खबर देता रहेगा। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए और किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।